आपने अक्सर सुना होगा कि दारू की लत में लोग बर्बाद हो जाते हैं, अपना घर बार बेच देते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि दारू की लत में किसी ने अपना ऑफिस बेच दिया हो? कभी नहीं देता है। ये मामला हुआ उड़ीसा राज्य में, जहां पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के एक प्यून ने अपना दारू का खर्चा निकालने के लिए अपने ऑफिस की फर्नीचर, अलमारी, खिड़की, दरवाजे सब बेच दिया। हुआ यूं कि हाल ही में जो ऑफिस था वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था और पेंडेमिक के चलते कोई पुरानी बिल्डिंग में गया नहीं और प्यून साहब को वहां की रखवाली की जिम्मेदारी दे दी। बट प्यून साहब निकले थोड़े रंगबाज आदमी, उन्होंने दारू का खर्चा निकालने के लिए धीरे धीरे ऑफिस का सामान बेचना शुरू कर दिया। पकड़े तब गए जब वहां के एक सेक्शन ऑफिसर अपनी डेस्क से फाइल लेने गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा नहीं है ऑफिस का, तो वो अंदर गए अपनी फाइल लेने तो उनको फाइल नहीं मिली क्योंकि डेस्क भी नहीं मिली। प्यून साहब ने सब बेच दिया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।